तारक मेहता का उल्टा चश्मा से खबरें आ रही थी कि शैलेश लोढ़ा यानी कि तारक मेहता जो है वो शो को क्विट कर रहे हैं। वेल, अब इस पर आसिद मोदी का रिएक्शन सामने आया है। क्या कुछ आसिद मोदी कहते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवर एंड वेलकम टू आवर चैनल। वेल, शैलेश लोढ़ा ने हाल फिलहाल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जो है वो शेयर किया था, जहां पर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये इशारा किया था कि जहां सब एक साथ जो झूठे मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो छुप जाती है। वेल, अब मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट के बाद में जहां फैंस जो हैं वो लगातार शैलेश लोढ़ा को कह रहे हैं कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं छोड़े और अगर उन्होंने शो छोड़ा तो वो भी देखना बंद कर देंगे। वेल, ये खबरें जो है दो तीन दिन से काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, जहां फैंस को लग रहा है कि शैलेश लोढ़ा जो है वो शो छोड़ रहे हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो एक महीने से शैलेश लोढ़ा ने शूट नहीं किया है, वहीं अब खबरें ये हैं कि वो शो क्विट कर रहे हैं। लेकिन जब आसिद मोदी से ये बातें पूछी गई तो क्या कुछ रिएक्शन आसिद मोदी ने किया और क्या कुछ वो कहते हैं, तो दरअसल आसिद मोदी कहते हैं कि हाल फिलहाल कुछ भी चीजें ऑफिशियल नहीं है। जी हाँ, आसिद मोदी का कहना है कि ये शो एक परिवार की तरह है और परिवार में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार को हम छोड़ दें या फिर इस तरीके की चीजें जो है ये बेबुनियाद हैं। और हाल फिलहाल आसिद मोदी ने यही सारी चीजें कही हैं कि ये कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। वेल, कहीं ना कहीं ये जो आसिद मोदी का बयान रहा है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ये फैंस को गुमराह करने वाला था, क्योंकि अगर तारक मेहता यानी कि शैलेश लोढ़ा शो कर रहे होते तो आसिद मोदी सीना ठोक कर कहते कि शैलेश तो वो शो की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन आसिद मोदी ने कहा कि सब एक परिवार का हिस्सा है, परिवार में अनबन होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक परिवार नहीं है। कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था उनका स्टेटमेंट, लेकिन जानना चाहूंगी आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।